हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास अगर एक फोल्डर है जिसमें मल्टीपल फाइल्स है तो उसको हम कैसे कंबाइन करेंगे। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जो शीट का जो नाम है वो डिफरेंट है और कॉलम नेम्स डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे आसानी से पावर क्वेरी में कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हो सी कॉलन में टेस्टिंग डेटा करके फोल्डर है जिसमें मल्टीपल फाइल्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मल्टीपल फाइल्स है उसको कंबाइन करेंगे और उसके बाद उसमें कुछ कॉलम्स ऐड करके देखते हैं और शीट नेम चेंज करके देखते हैं कि हमारी पावर क्वेरी ठीक से वर्क हो रही है नहीं हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हमारे फोल्डर को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम डेटा में जाएंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। तो हमारा जो फोल्डर है वो सी कोलन में टेस्टिंग डेटा करके फोल्डर है, उसको हम ओपन पे क्लिक करेंगे। तो इससे हमारी जो फाइल है वो फोल्डर को कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करेंगे। तो हमें कैसे चाहिए कि जो भी वर्कशीट्स फाइल में है वो सब कंबाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर एक फाइल में चार भी शीट्स होगी तो यहाँ पे कंबाइन होनी चाहिए। तो आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम कंबाइन फाइल्स, ये जो ऑप्शन दिख रहा है एरो वाला, वो यूज किया है। पर ये जो भी अगर हम ऑप्शन है अगर वो यूज करेंगे तो हमारा डेटा डायनामिकली नहीं आएगा। तो हमें कैसे चाहिए, वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स भी होंगी तो भी वो कंबाइन होनी चाहिए। कंबाइन फाइल्स का अगर हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे वर्कशीट का जो नाम है यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है, सैंपल डेटा। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारा डेटा बराबर नहीं आएगा, डायनामिकली नहीं होगा। मतलब अगर वर्कशीट ऐड भी हो जाएगी तो हमारे इस क्वेरी में वो ऐड नहीं होगी। और हमेशा क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर हम कंबाइन फाइल्स का ऑप्शन अगर सिलेक्ट करेंगे, अंडर क्वेरीज मल्टीपल फोल्डर हायरार्की क्रिएट हो जाती है, तो वो अननेसेसरी क्रिएट हो जाती है, इसलिए वो ऑप्शन हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम को क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कस्टम कॉलम ऐड करने वाले हैं और वहां पे हम एक फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो उसका नाम है एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है, तो मुझे एक्सेल डॉट वर्कबुक फंक्शन यूज करना है यहाँ पे। तो अगर मुझे एक्सेल फाइल्स चाहिए तो मैं एक्सेल डॉट वर्कबुक सिलेक्ट करूंगी। तो अगर मुझे सीएसवी फाइल चाहिए तो मैं सीएसवी डॉट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेल डॉट वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे वर्कबुक एज अ बाइनरी। ठीक है, तो इनपुट जो एक्सपेक्टेड है वो है वर्कबुक एज अ बाइनरी। यहाँ पे ये कंटेंट कॉलम लेंगे। तो ये जो भी कंटेंट कॉलम है यहाँ पे सब फाइल्स है स्टोर्ड, इसलिए हम एक्सेल डॉट वर्कबुक और जो कंटेंट कॉलम है वो लेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे और यहाँ पे हम ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी हमको ये टेबल मिल गया है। तो जो हमारा डेटा है वो इस डेटा कॉलम में है, तो मुझे अभी बाकी जो अननेसेसरी कॉलम है उसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम नेम और जो ये कस्टम कॉलम हमने क्रिएट किया वो लेंगे और राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। तो बाकी के जो अनवांटेड कॉलम्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी हमें एरो दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज अ प्रीफिक्स को अनचेक करके ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी अनवांटेड टेबल हायरार्की क्रिएट नहीं हुई है, हमारा जो भी क्वेरी है एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ डेटा जो कॉलम है यहाँ पे हमारा सब डेटा है, मतलब फाइल यहाँ पे हमारे पास फाइल नेम है। ठीक है, ये टेस्टिंग डेटा टेस्ट अंडरस्कोर डेटा डॉट एक्सेलेक्स जो फाइल है उसका डेटा जो भी है इस टेबल में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार हम नेम और डेटा कॉलम सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके रिमूव अदर कॉलम्स पे क्लिक कर देंगे। तो इससे हमारे जो भी अनवांटेड डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, एक्सेल डॉट वर्कबुक फंक्शन यूज किया। ठीक है, और उससे हमें सब जो एक्सेल फाइल्स है वो मिल गई है, हमें अभी डेटा तो सब मिल गया है। पर अभी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ये जो कंपनी आईडी सेल्स डॉक्यूमेंट जो हमारा हेडर है वो एज अ हेडर नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हेडर क्या दिख रहा है, कॉलम वन कॉलम टू। तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ये कंपनी आईडी एज अ हेडर चाहिए। तो इसके लिए हम और एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे।
अभी हम टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स इस फंक्शन का यूज करेंगे। टेबल यहाँ पे दो बार आ रहा है, तो इसलिए मैंने टेबल वर्ड डिलीट किया। उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट देंगे, उसके बाद हम ओपन ब्रैकेट देंगे, तो यहाँ पे टेबल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो हमारा टेबल है वो डेटा कॉलम में है, इसलिए हम डेटा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो ये कस्टम कॉलम क्रिएट हो गया है। तो जो पहले टेबल था उसमें हेडर कॉलम वन कॉलम टू आ रहा था, तो अभी हमने जो फंक्शन यूज किया उसकी वजह से कंपनी आईडी सेल्स डॉक्यूमेंट जो हेडर मुझे चाहिए वैसे वो बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो अभी हमें इस कॉलम की जरूरत नहीं है डेटा कॉलम की, इसलिए हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके अभी ये जो टेबल है ये मुझे कंबाइन करना है, तो इसके लिए हम टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेटा में कोई भी चेंजेस हो गए, मतलब शीट का नाम भी चेंज हो गया, तो भी हमारी क्वेरी गलत नहीं होगी। तो एक बार हम फंक्शन यूज करके देखते हैं। इसके लिए हम ऐड स्टेप पे क्लिक करेंगे, और अगर हम टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन लिख रहे हैं और ओपन ब्रैकेट डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो टेबल एज अ लिस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो जो अभी हमारे पास लिस्ट नहीं, अभी अभी जो स्टेप हमने ऐड की उसको हम रिमूव करेंगे, ओके। तो ये जो भी टेबल है एज अ लिस्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें नेम कॉलम की जरूरत नहीं, इसलिए हम रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन करेंगे, तो इससे क्या होगा, ओके, जो कॉलम है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये लिस्ट दिख रही है मुझे, और यहाँ पे मल्टीपल टेबल है, ठीक है। तो अभी हमें वो कंबाइन करने हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेबल डॉट कंबाइन लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट डालेंगे और लास्ट में क्लोज ब्रैकेट डालेंगे। तो जो भी डेटा है हमारा परफेक्टली कंबाइन हो गया है। अभी हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे, तो ठीक है। तो आप देख सकते हो डेटा एकदम बराबर आ रहा है। तो अभी हम टेस्टिंग करेंगे, जो सी कॉलम में, ओके। तो कोई भी एक फाइल लेंगे, राइट, तो फाइल को ओपन करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम कुछ कॉलम ऐड करेंगे, CC CCNN BB DD, ठीक है। तो ये कॉलम अभी नहीं है, और हमारा जो शीट है उसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पे शीट नेम है उसको चेंज करेंगे, उसको हम सैंपल करके रीनेम करेंगे, इसको हम और एक, ठीक है, और यहाँ पे हम और एक शीट ऐड करेंगे, ठीक है। और कंपनी आईडी देंगे 9999, 5 टाइम 9 देंगे, डबल, और इसको हम ट्रैक करेंगे। तो सिर्फ ये देखने के लिए कि डेटा अलग शीट में से ऐड हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए हमने ये टैब ऐड किया है। यहाँ से ये कॉलम हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। इस फाइल को हम सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हो कंपनी आईडी में 9 5 टाइम कहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे, तो आप देख सकते हो ये डेटा ऐड हो गया है, और हमारे जो CCNN BB DD जो भी कॉलम है वो यहाँ पे ऐड हो गए, और हमें पावर क्वेरी में कोई भी एरर नहीं आया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। थैंक यू।